हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। संबंध एवं फलन की पिछली वीडियो में हमने आपको संबंध के बारे में बताया था और संबंध से संबंधित प्रश्नावली को हल कराया था, जिसमें हम लोगों ने प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग फलन पे चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए, फलन फलन को अंग्रेजी में फंक्शन कह रहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन, ठीक। सबसे पहले जब इस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया था, तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रमित युग्म। क्या पढ़ा था? क्रमित युग्म पढ़ा था। क्रमित युग्म के बाद हमने दो समुच्चयों का क्या पढ़ा था? कार्तीय गुणन पढ़ा था। कार्तीय गुणन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संबंध पढ़ा था। और संबंध के बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा फलन। फलन की परिभाषा अगर हम लोग बात करें कि फलन की परिभाषा क्या है, तो सीधे एक शब्दों में परिभाषा अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। क्या? स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। हाँ, अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो वास्तविक जीवन में फलन क्या है, तो आप अपनी कक्षा ले लीजिए। आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थियों से आपका कुछ ना कुछ तो लगाव होता ही है। तो जो वो लगाव होता है, उस लगाव को अगर हम लोग समझें तो उसे हम लोग कहते हैं संबंध, कि हम ना किसी प्रकार से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम लोग उसी संबंध को आगे बढ़ाते हैं, तो उसी कक्षा में हमारे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो हमारे बहुत ही प्रिय होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो वो जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पर फंक्शन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? फलन नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा क्या है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। संबंध तो हमारी पूरी कक्षा से है, सभी विद्यार्थियों से कुछ ना कुछ तो लगाव है, लेकिन यहां जो फंक्शन में लगाव होना है, वो लगाव क्या होना है? विशेष होना है। इसी प्रकार के संबंध को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? फलन कह रहे हैं। जैसे देख लीजिए, गांव में अगर हम देखें तो हमारे गांव में हमारे बहुत से चाचा हैं, बहुत से मामा हैं, बहुत से, ठीक है, तो दादा दादी हैं, लेकिन उनमें भी हमारे कुछ ऐसे हैं जो क्या है, एकदम हमारे दादा दादी ही हैं, चाचा चाची ही हैं। तो वो उनसे हमारा क्या है, विशेष संबंध में है। तो जो हमारा उनसे विशेष संबंध है, वो हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। संबंध तो हमारा पूरे गांव से है, जो भी दिखेगा, अगर वो चाचा के पद पे होंगे तो हम उन्हें चाचा कहेंगे, मामा के पद के होंगे तो मामा कहेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्पेशल मामा होते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के विशेष प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ये तो रही क्या अपनी भाषा में फलन की परिभाषा, लेकिन किताबें क्या कहती हैं और हम किस प्रकार से फलन को अच्छे से समझेंगे, तो उसे देखिए। कहते हैं दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, ठीक है ना। जैसे यदि दो अरिक्त समुच्चय ए व बी, कौन कौन दो अरिक्त समुच्चय क्या हो, ए और बी, इस प्रकार हो कि क्या हो, इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या हो संबंधित हो, क्या कहलाता है? तो हो तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं।
ठीक है, हमने आपसे कहा ना कि क्या होना चाहिए, जो अवयव होना चाहिए वो इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि वो संबंध जो बन जाए वो कैसा बन जाए, विशेष प्रकार का बन जाए, ठीक है ना। अर्थात अगर हम लोग इसी चीज को गणितीय भाषा में लिखें, किस भाषा में लिखें, गणितीय भाषा में लिखें, तो लिखेंगे यफ सच दैट ए टू बी, ए टू बी क्या कह रहे हैं, जो फलन है वो कहां से कहां में है, ए से बी में है। ए का अवयव किससे संबंधित है, बी से संबंधित है, किससे संबंधित है, बी से संबंधित है। इसे पढ़ते हैं, फलन एफ सच दैट ए टू क्या है, बी, मतलब फलन में जो समुच्चय ए है उसके जो अवयव है वो समुच्चय बी से क्या है, संबंधित है। तो उसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, फलन ए टू बी, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने डोमेन और रेंज की तो बात की ही थी, तो यहां देखिए, यहां जो हमारी डोमेन होगी वो किससे मिलेगी, जो डोमेन होगी क्या होगी, डोमेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, वो कहां मिलेगी, पहले समुच्चय में, ठीक है। और जो हमारी क्या होगी, कोडोमेन होगी, क्या होगी, कोडोमेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहप्रांत, क्या बोलते हैं, सहप्रांत, वो हमारी क्या मिलेगी, सहप्रांत वो कहां मिलेगी, हमारी बी में मिलेगी, क्या मिलेगी, बी में मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्री इमेज भी कह सकते हैं, किसे, डोमेन को, डोमेन को क्या कह सकते हैं, प्री इमेज, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मतलब क्या, प्रतिबिंब, क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब, क्या, ये तो हमारा क्या है, प्री इमेज, मतलब जिससे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, जिसमें बनेगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे बोलेंगे केवल इमेज, क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक है ना। इसका अगर और भी नाम रखना चाहें आप, इसका नाम क्या रख सकते हैं आप, इसका डोमेन को और कुछ अगर बोलना चाहे तो आप क्या सकते हैं, इनपुट, क्या कह सकते हैं, इनपुट। अगर हम लोग इसे देखें जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आउटपुट, क्या कह सकते हैं, आउटपुट, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमारी बात क्या है, हमारी प्रांत और सहप्रांत की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसी में देखें, क्या देखें कि परिसर क्या होता है, तो परिसर तो हमें कहां मिलता है, कोडोमेन मिलता है, किसमें मिलता है, कोडोमेन मिलता है। तो ये जो हमारा इमेज है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेंज, क्यों, क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं और जो हमें मिलता है आउटपुट वो तो हमारी क्या कहलाएगी, इनपुट देने पर जो हमें मिलेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, जो देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। इसीलिए हमने यहां क्या रखा है, प्री इमेज बराबर क्या है, डोमेन बराबर क्या है, इनपुट, या हमने क्या कहा है, कोडोमेन बराबर है इमेज के, बराबर क्या है, आउटपुट के, ठीक है ना। अब इसी में हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है, इसीलिए हमने क्या कह दिया है, इसमें हमने कहा है कि रेंज आपको अगर मिलेगी तो यही मिलेगी, किसमें, कोडोमेन में मिलेगी, या तो इमेज में मिलेगी, या तो कहां मिलेगी, आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर और भी डोमेन को आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक्स अक्ष पर जो भी मान होते हैं, किस अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर जो भी मान होते हैं वो उसका मतलब होता है क्या, डोमेन, समझ रहे हैं ना। किसी भी फलन में यक्ष अक्ष पर जो फैलाव होता है, कैसे, आप समझिए, इशारे में समझिए, ऐसे जो फैलाव होगा इधर की तरफ, उस फैलाव को हम लोग क्या कहेंगे, यक्ष अक्ष, क्या कहेंगे, यक्ष अक्ष पर फैलाव, और वो यक्ष अक्ष पर जो फैलाव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अगर यही फैलाव कैसे हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाए, कैसे हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाए, तो ये फैलाव हमारा क्या कहलाने लगेगा, वाई अक्ष कहलाएगा, और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फलन क्या है, फलन क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या, विशेष प्रकार के संबंध को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फलन बोल रहे हैं। और फलन को प्रदर्शित करने का जो हमारा तरीका है गणित में वो है f such that a to b, ठीक है। आगे देखिए, फलन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे फलन को हम लोग अंग्रेजी में फंक्शन कह रहे हैं, इसे क्या कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैपिंग। मैंने पिछली वीडियो में आपने मैपिंग के बारे में भी बताया था, कैसे मैपिंग करते हैं हम लोग, दो समुच्चय हमारे पास दिए जाते हैं, कौन कौन, ए और बी, हम लोग क्या करते हैं, ए से बी, ए से बी, ए से बी में क्या करते हैं, सीधे आपको दिखाते हुए जो चित्र दिखा रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैपिंग, प्रतिचित्रण, क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण। इसे संगतता भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, संगतता, ठीक है ना। तो आप इतने में ही समझ लीजिए फंक्शन और ये क्या है हमारी मैपिंग, ठीक है। फंक्शन में देखिए कि फंक्शन होगा फंक्शन नहीं होगा ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। हमने यहां तो क्या पढ़ लिया, केवल परिभाषा पढ़ ली कि क्या, यदि दो अरिक समुच्चय क्या हो, ए और बी, इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या हो, संबंधित हो, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, फलन बोलते हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, प्रांत सीख लिया है, सहप्रांत सीख लिया है,
हाँ ठीक है, प्रांत कहाँ मिलती है वो सीख लिया है, परिसर कहाँ मिलता है, सहप्रांत कहाँ मिलता है वो सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो फलन होता है वो कब कब होता है और कब नहीं होता, ठीक है ना। जिस हिसाब से हमने परिभाषा लिखी है उस हिसाब से देखिए, हम यहाँ कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, उन उदाहरणों को आप ध्यान से देखें और बताने का प्रयास करें ये फलन है कि नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहला उदाहरण तो हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, मान लीजिए हमारे अवयव हैं इसमें से, ठीक है ये रहा, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम यहां बना रहे हैं, देखिए दूसरा उदाहरण, ठीक, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अवयव को अटैच कर देते हैं, इसका इससे संबंध बना देते हैं, इसका इससे बना देते हैं, इसका इससे बना देते हैं, इसका इससे बना देते हैं, और ठीक है, और एक आंख लेके इसका इससे बना देते हैं, ठीक। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए इसे खाली भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा उदाहरण देखिए, ये मैपिंग है, ठीक है। तीसरे उदाहरण में हम लोग क्या ले लेते हैं, तीसरे उदाहरण में जैसे हमने क्या कर लिया, ये ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, ठीक है, इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया, और इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया, और इसका संबंध किससे हो गया, इससे भी हो गया, और इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया। चौथा उदाहरण देखिए, ठीक है, चौथे उदाहरण में हम लोग क्या ले लेते हैं, चौथे उदाहरण में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसकी मैपिंग कैसे करा देते हैं, इसकी मैपिंग करा देते हैं, इसकी इससे करा देते हैं, इसकी इससे करा देते हैं, इसकी इससे करा देते हैं, और इसकी किससे करा देते हैं, इससे करा देते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ क्या लिए हैं, चार उदाहरण लिए हैं, और इन चार उदाहरणों को देख करके आपको यह बताना है कि यह फलन, ये इसमें से कौन कौन से फलन है और कौन कौन से फलन नहीं है। सबसे पहला उदाहरण देखिए, सबसे पहले उदाहरण में हमारे पास क्या है, यहाँ भी एक दो तीन अवयव है, और यहाँ भी क्या है, एक दो और क्या है, तीन अवयव है, और ए का प्रत्येक अवयव किससे, बी से क्या है, संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव किससे संबंधित है, बी से संबंधित है। यहाँ हमने लिखा है कि ए का प्रत्येक अवयव किसका, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, बी के अद्वितीय मतलब यूनिक, एक से ही संबंधित हो। यहां देखिए इसका संबंध इससे है, ठीक है, इसका संबंध इससे है, ये भी ठीक है, इसका संबंध इससे है, मतलब ये क्या है, हमारा फलन है, ये हमारा क्या है, फलन है, ठीक है। ये वाला उदाहरण देखिए, दूसरा वाला उदाहरण देखिए, यहां देखिए ये अवयव किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, सही है, ये अवयव क्या है, इससे संबंधित है, ये भी बात सही है। देखिए ध्यान समझिए, ए के जो अवयव है वो बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो सकते हैं, एकदम फिट बात है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके खाली होने पर कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। लेकिन यहां देखिए तीसरे वाले में देखिए, यहां ए का एक अवयव बी के दो अवयव से संबंध बना लिया है, एक तो पहले से बना लिया और एक तो किससे बना लिया, दूसरे से बना लिया, जबकि हमने यहां क्या लिखा है, ए का प्रत्येक अवयव संबंध तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी के अद्वितीय अवयव से, बी के अद्वितीय अवयव से उसने क्या करा, बी के एक 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 का एक अवयव बी के दो अवयव से क्या कर लिया, संबंध बना लिया है, इसलिए ये जो तीसरा है वो हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप चौथा देखेंगे तो चौथी सवाल में भी ये जो दूसरा वाला है वो क्या है, इससे भी संबंध बनाया है और इससे भी संबंध बनाया है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। मतलब फंक्शन कौन कौन सा है, पहला वाला है और कौन सा है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला फंक्शन नहीं है और चौथा वाला भी फंक्शन नहीं है। आपको ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, कि ए का प्रत्येक अवयव हो, क्या ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से क्या हो, संबंधित हो, और बी के अद्वितीय अवयव से संबंध बनाए, किससे बनाए, बी के अद्वितीय अवयव से क्या बनाए, संबंध बनाए, तो उस प्रकार के संबंध क्या कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं, ठीक है। और उदाहरण है, जैसे देखिए उदाहरण, उदाहरण में हमारे पास देखिए कैसे, मान लीजिए हमने कोई समुच्चय क्या ले लिया है, यक्स, यक्स हमने ले लिया है ए बी और क्या ले लिया है, सी, वाई हमने एक दूसरा उदाहरण ले लिया, वो समुच्चय ले लिया एक दो तीन और कौन, चार, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एफ एक्स वाई से इस प्रकार संबंधित है, एफ सच दैट एक्स टू वाई, एफ एक्स से इस प्रकार संबंधित है कि एफ ए बराबर दो है, एफ बी बराबर तीन है, और एफ सी बराबर कितना है, चार है, एफ सी बराबर कितना है,
चार हैं, ठीक है। तो बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हैं, मैपिंग से बनाकर बता सकते हैं। मैपिंग कैसे, आप क्या कर लीजिए, एक समुच्चय बना लीजिए x और दूसरा समुच्चय के लिए प्रतिचित्रण के लिए क्या बना लीजिए y बना लीजिए। यहाँ क्या लिख लीजिए, a b और क्या बना लीजिए c। यहाँ क्या बना लीजिए, एक दो तीन चार, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, a का संबंध किससे है, दो से है। बी का संबंध किससे है, तीन से है। सी का संबंध किससे है, चार से है, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है कि नहीं है, है। ए का प्रत्येक अवयव क्या है, संबंधित है, ठीक है, फलन होगा। बी में खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको दूसरी भाषा में भी संबंध बता देते हैं कि फलन कैसा होता है। फलन को आप और अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फंक्शन। क्या लिखा है, फंक्शन। गांव में फंक्शन को किस नाम से जानते हैं, गांव में फंक्शन का क्या मतलब होता है, कोई पार्टी वार्टी हो जिसमें हम लोग जाएं और क्या करें, खूब बढ़िया बढ़िया खाना मिले, तब तो बढ़िया फंक्शन था, नहीं तो फंक्शन अच्छा नहीं था। वही फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, खाना अच्छा मिले। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमने फंक्शन बनाने का प्रयास किया कि यह फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ क्या रखा है, एक तरफ ये क्या है, आदमी है, ये सब क्या बैठे हैं, आदमी है, और इधर क्या है, थालियां हैं। क्या है, थालियां, ठीक है। हर आदमी के लिए क्या है, थालियां मौजूद हैं, और थालियां बची हैं, थालियां बची होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि थाली कम पड़ जाए तो दिक्कत होती है। तो इसे क्या मान सकते हैं, आप आदमी मान सकते हैं, और ये सब क्या है, थालियां। प्रत्येक आदमी एक थाली से क्या करे, संबंधित है, वो अपनी थाली में खा रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो थाली कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक थाली यहाँ क्या है, मौजूद है, तो उसे दिक्कत नहीं है, इसलिए यह संबंध क्या है, फलन है। यह संबंध क्या है, फलन है, ठीक है ना। आप इसे विशेष रूप से भी संबंध, विशेष प्रकार के संबंध से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फलनों में और भी फलन होते हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके आते हैं जिसमें वो पूछा जाता है क्या कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, ठीक है। देखिए अगली हेडिंग है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में हमारे पास है क्या कि हमें क्या दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ग्राफ, जिसमें हमें से पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ये देखें, मान लीजिए हमने यहाँ एक ग्राफ ड्रा करा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक, मान लीजिए दूसरा हमने ग्राफ ड्रा करा है, ये वाला है, तो देखिए हम लोग क्या ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है और एक उदाहरण यहाँ लिया है। अगला उदाहरण देखिए, अगले उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो ये बना लेते हैं दूसरा चित्र, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, एक वृत्त यहाँ बना लेते हैं, दूसरा वृत्त यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण क्या कहती है कि यदि किसी फलन में आप क्या खींचे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे और वो उस ग्राफ को क्या करे, एक जगह पर काटे, तो वो जो चित्र होगा, वो जो जिसका चित्र बना होगा, वो फलन क्या कहला, वो क्या कहलाएगा, हमारा फलन कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या खींचा, यहाँ एक लाइन खींच दिया, तो इसने यहाँ फलन को, यहाँ ग्राफ को इसने यहाँ काट कर दिया, कितनी जगह काटा उसने, एक जगह, कितनी जगह, एक जगह। इसलिए ये जो चित्र बना है, ये जो आलेख बना है, ये फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। अगर आप इसमें खींचे, इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक यहां भी कट गया, एक यहां भी कट गया, देख पा रहे हैं आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें खींचे तो आप देखिए ऊर्ध्वाधर में यहां भी कट कर गया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इसलिए ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या खींच दिया, ये हमने एक उदाहरण ले लिया है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, अगर इसमें हम लोग खींचे तो यहाँ देखिए यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन यदि हम लोग ये खींच दें, y बराबर x खींच दें, तो y बराबर x में अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे वो सिर्फ एक जगह काटेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में हमने क्या लिखना है, कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम
ग्राफ में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच दिया, देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा कितने स्थानों पर उस ग्राफ को कट कर रही है। यदि ऊर्ध्वाधर रेखा ग्राफ को या आलेख को क्या करे, एक स्थान पर काटे, कहां पर, एक स्थान पर काटे या प्रतिच्छेद करे, काटे, तो वह फलन होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा फलन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन टेस्ट करके, ऊर्ध्वाधर लाइन परीक्षण से भी आप क्या कर सकते हैं, फलन के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, फलन के प्रकार देखिए, या फलन के क्या है, बहुत प्रकार है, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फलन और फलन के प्रकार। तो फलन में सबसे पहले प्रकार पर अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला फलन है तत्समक फलन। इसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, ठीक है ना। तत्समक फलन क्या होता है, देखिए यदि हम लोग क्या करें, सीधे सीधे बात करते हैं कि प्रत्येक y बराबर x के लिए, प्रत्येक y बराबर किसके लिए, x के लिए, देखिए फलन को हम लोग क्या, हमने कहा था फलन f such that a to b ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, f x बराबर क्या लिखते हैं, y, ठीक है, f x बराबर क्या लिखते हैं, y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक y के लिए या प्रत्येक x के लिए और y दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सीधे सीधी बात हम लोग लिखेंगे क्या कि प्रत्येक y बराबर x के लिए, प्रत्येक y बराबर x के लिए फलन तत्समक फलन कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या i से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, i से प्रदर्शित करते हैं, और जो तत्समक फलन होता है उसकी जो डोमेन होती है, कौन होती है, डोमेन मतलब प्रांत होता है, और क्या रेंज जो हम लोग इनपुट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। जो आउटपुट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिसर, क्या बोलते हैं, परिसर। जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है, आर होती है, और जो परिसर होता है वो भी क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। जैसे आर का मतलब है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, क्या, रियल नंबर। देखिए इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें, इसका ग्राफ कैसे बनता है आइडेंटिटी फंक्शन का, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनता है ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हमारा क्या हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा क्या y बराबर x, ये y बराबर क्या है हमारे पास, x है, और ये इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, फलन का आलेख होता है, अभी हमने आपको बताया था ये क्या होता है, फलन होता है, और हम लोग क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि ऐसा फलन जिसमें प्रत्येक x के लिए y बराबर हो क्या कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है, अर्थात y बराबर क्या, x, ठीक है। इसे हम लोग आई ए या आई बी से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी जान लीजिए। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, तत्समक फलन होता है, उसका क्या डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होता है, रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फलन की ओर, दूसरे वाले फलन का हमारा नाम है बहुपदीय फलन, ठीक है। देखिए इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल्स फंक्शन, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स फंक्शन, ठीक है। देखिए
पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हम लोग किसी बहुपद की बात करें, किसी बहुपद की बात करें, तो मान लीजिए हमने कोई फलन लिख दिया, क्या एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स बराबर ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, इस प्रकार का है, ठीक है ना, इस प्रकार का है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये फलन जो हमने लिखा है इस प्रकार का जो फलन में मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपदी फलन, क्या बोलते हैं, बहुपदी फलन बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुपदी फलन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आर होती है। देखिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह एक परिभाषित फलन होता है जिसमें अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स निकाल कर लिखना चाहें, जैसे पॉइंट बहुपद में तो भाई यह घात अनंत तक हो सकती है, यन तक हो सकती है, तो मान लीजिए हमने क्या करा, एक घात के लिए लिखा, किससे के लिए, एक घात के लिखा, तो एक घात के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर क्या, ए एक्स प्लस बी। इसी प्रकार से दूसरी एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, सी, ठीक है। आगे देखिए अगर हम लोग और आगे लिखना चाहें तो चार घात के लिए भी लिख सकते हैं, सी एफ एक्स बराबर ए एक्स पावर, अच्छा तीन घात के लिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या डी, आगे हम लोग डी लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स पावर चार प्लस बी एक्स घाते तीन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस क्या डी एक्स प्लस क्या ई। इस प्रकार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फलन को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक एक घात का, ये हमारा द्विघात, ये हमारा त्रिघात, ये हमारा चतुर्घात का फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इन लोगों को हम लोग क्या लिखें, जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें, कैसी फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें, तो जनरलाइज फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जनरलाइज फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसी प्रकार से तीन घात के लिए लिखना चाहें तो इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके लिए लिखना चाहें, ये हमारा हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और अगला हो जाएगा एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है ना। तो जितने कोष्टक हैं, यहाँ देखिए हमारे पास कितना है, एक कोष्टक है, यहाँ हमारे पास कितना है, दो कोष्टक है, यहाँ तीन कोष्टक है, यहाँ चार कोष्टक है, तो जिस प्रकार से फलन हमारा बदल रहा होता है उस प्रकार से उसका क्या होता है, ग्राफ भी बदल रहा होता है, ठीक है ना। ये हमारे इस प्रकार के जो फलन है वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, बहुपदीय फलन कहलाते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स फंक्शन कहलाते हैं। और जो इनकी रेंज होती है, आप याद कर लीजिए कि इनकी जो रेंज होती है क्या होती है, रेंज होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, वो क्या होती है, परिसर, वो आर होती है, क्या होती है, आर होती है, ठीक है। बहुपदीय फलन के बाद तीसरे फंक्शन की बात करें तो इसका नाम है अचर, क्या है, अचर फलन, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखिए कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि प्रत्येक y बराबर x के लिए, प्रत्येक y बराबर x के लिए, उसी प्रकार से हम कह रहे हैं प्रत्येक एफ एक्स बराबर के लिए, प्रत्येक एफ एक्स बराबर के लिए जो फलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अचर फलन कहलाएगा, जहां के, जहां के अचर संख्या है, ठीक है। प्रत्येक एफ एक्स बराबर के लिए, प्रत्येक एफ एक्स बराबर के लिए दिया गया फलन अचर फलन कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एफ एक्स बराबर के से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने सवाल ले ली एफ एक्स बराबर कितना, आठ, एफ एक्स बराबर कितना, आठ, तो एफ एक्स बराबर अगर आठ है तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स को हम लोग वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर कितना हो गया, आठ, अगर वाई बराबर आठ है तो हमारे लिए x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आप देखिए अगर इसका आप ग्राफ बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा y अक्ष, y अक्ष पे कितना खाना, आठ खाना, ये क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए है y बराबर आठ, y बराबर क्या है, आठ, ठीक है। तो आप देखें तो ये y बराबर हमारे पास क्या है, आठ है, तो y बराबर आठ का मतलब क्या है, जो इसकी रेंज होने वाली है,
रेंज, रेंज माने होता है क्या, वाई एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, आठ तक, जीरो से कहां तक, आठ तक। लेकिन जो इसका क्या होगा प्रांत होगा वो पूरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, क्या होगा पूरा एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है सवाल में, कहा है कि एफ एक्स बराबर क्या है आठ है, एफ एक्स बराबर क्या है आठ। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा आठ, एफ एक्स बराबर बारह तब भी आठ, एफ एक्स बराबर 2012 तब भी आंसर कितना आठ। इसी प्रकार से एक सवाल है हमारे पास जिसे आप लगा सकते हैं अचर फलन पर। जैसे मान लीजिए उन्होंने दिया कि यदि क्या दिया है, यदि यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स बराबर क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर फोर एक्स बटा, यहां दिया उन्होंने क्या साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है, यदि क्या है, यदि ऐसा है यहां क्या है साइन पावर फोर एक्स, फिर अच्छा ये साइन पावर फोर एक्स वहां है तो यहां कॉस पावर क्या है फोर एक्स प्लस क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ 2022 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार के फलन में आपको क्या पूछा जाएगा, ऐसे आपको एक फलन दिया जाएगा एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर फोर एक्स अपान कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है हमारा अचर फलन है, क्या है अचर फलन है। लेकिन ये आपको पता चलना चाहिए कि अचर है तो कैसे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस साइन को तोड़ेंगे, इस साइन साइन पावर फोर एक्स को, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसे तोड़ रहे हैं तो इसे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पूरे का बटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पावर फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगली लाइन में हम क्या करते हैं, जो ये साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ सर्वसमिका लगा देते हैं। सर्वसमिका क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होल स्क्वायर और पूरे का बटा क्या हो जाएगा यहाँ कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसे तोड़ दीजिए, इसे क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए, इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कॉस पावर फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा प्लस नहीं यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे का बटा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए ये जो कॉस पावर फोर एक्स इसे सबसे पहले लिख लीजिए तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉस पावर फोर एक्स प्लस ये देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ कौन है वन ये हो जाएगा वन और ये दो है दो में जब एक घटेगा तो एक बचेगा वो माइनस है इसके लिए चिन्ह किसका लगेगा माइनस क्योंकि ये क्या है हमारे पास बड़ा है यहाँ हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे का बटा कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पावर फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का बटा कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपस में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा और आंसर क्या बना देगा हमारे लिए आंसर बना देगा एक, आंसर क्या बना देगा एक। अर्थात यहाँ जो चीज लिखी गई है सवाल में वो एक्चुअल में ये चीज नहीं है, वो तो एफ एक्स बराबर कितना है एक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है एफ ऑफ 2022, एफ ऑफ 2022 आप भैया यहाँ पर कुछ भी डालोगे आपको आंसर तो क्या मिलने वाला है एक ही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है एक ही मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको अचर फलन के बारे में जानकारी हुई होगी कि जो अचर फलन होता है वो हमेशा कैसा रहता है स्थिर रहता है, एफ एक्स बराबर के रूप में होता है। यहाँ देखिए हमने उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, आप इससे ग्राफ बना सकते हैं और यहाँ हमने क्या एक उदाहरण भी लगाया है जिसमें आपसे क्या पूछा गया था अचर फलन पूछा गया था कि बताइए फलन ऑफ 2022 का मान क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप और उदाहरण लगाना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल है कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ क्या ले लेते हैं एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस पांच, ठीक है ये सवाल ले लेते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जहां जो यक्स है वो बिलोंग करता है एक से बड़े के लिए और पांच से छोटे के लिए। तो बताइए कि ये फलन अचर फलन है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, चेक चेक कीजिए या फिर क्या कीजिए
दिखाइए कि ये जो फलन है वो हमारा क्या है, अचर फलन है कि नहीं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान कहां देना है, इस यक्ष पे देना है। उसने कहा है यक्ष की वैल्यू क्या है, होनी चाहिए एक से बड़ी होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यदि आप यक्ष की वैल्यू एक से बड़ी लेंगे तो यहां क्या रखेंगे, एक तो रखेंगे नहीं, एक से बड़ा रखेंगे तो दो रखेंगे, दो से बड़ा रखेंगे दो रखेंगे, दो में से घटेगा तो क्या मिलेगा, एक, जो कि क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमेशा ये आंसर में क्या देने वाला है, पॉजिटिव। और एक्स की वैल्यू किससे, पांच से छोटी रखनी है। अगर पांच से छोटी रखोगे तब भी ये आंसर हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन इसमें पांच से छोटी रखोगे तो ये क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। जबकि मॉड का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आप उसमें से बाहर निकाल रहे हैं किसी माइनस को तो वो उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर, इसे बाहर निकालोगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, इसे बाहर निकालोगे तो ये क्या कहेगा, आप माइनस है, इस वजह से हम एक माइनस आपको पहले से दे देते हैं। ठीक है, यहां प्लस पहले से था, ये माइनस इसको मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जब ये माइनस मिलेगा इसको तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस पांच। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस माइनस एक्स माइनस पांच। हल कर लीजिए इसे, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस कितना, पांच। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा। एफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, प्लस चार। एफ एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस चार। अब देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर क्या आया है, प्लस चार आया। तो ये इस प्रकार का है ना, एफ एक्स बराबर किसका है, के रूप में है, जहां क्या है, चार हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसलिए ये जो फलन है हमारा वो क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर जिसका नाम है मापांक फलन। मापांक फलन, इसे अंग्रेजी में मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। देखिए जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। अभी हमने एक सवाल मॉड पे लगाई भी थी, लेकिन फिर भी देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, यदि किसी फलन में, किसी फलन में एफ ए टू बी इस प्रकार हो, एफ ए टू बी इस प्रकार हो कि जो फलन हो वो क्या हो, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मापांक फलन कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते हैं मॉड ऑफ यक्स। क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ यक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में मॉडुलस को मॉड बोल रहे हैं इसलिए इसे कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ यक्स के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ देखिए, देखिए सबसे पहली बात तो आप क्या कर लीजिए, मॉड के बारे में अच्छे से जानकारी पता कर लीजिए या जान लीजिए। कैसे, जो मॉड होता है, अगर किसी भी संख्या में मॉड लगा है तो उसका मतलब है कि जब वो मॉड से बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। अर्थात मॉड मीन मशीन, प्लस बनाने की, धन बनाने की मशीन के नाम से मॉड को जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने कहा कि माइनस तीन का आंसर बताओ, आपने तुरंत बोला तीन। आपको किसी ने कहा पांच का आंसर बताओ, आपने कहा सर पांच। आपको किसी ने कहा आठ का आंसर बताओ, आपने कहा माइनस आठ का आंसर बताओ, आठ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मॉड के अंदर यदि कोई माइनस है, यदि वो माइनस नहीं भी है तो ये समझिए कि जब भी वो आंसर देगा तो आंसर हमेशा कैसा देगा, प्लस देगा। क्या देगा, प्लस। देखिए माइनस तीन का आंसर कितना है, तीन है, पांच का आंसर पांच है, आठ का माइनस आठ का आंसर आठ है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें माइनस पांच बटा तीन का आंसर तो कितना है, पांच बटा तीन है। माइनस बारह बटे पांच का आंसर कितना है, बारह बटे पांच है। माइनस तीन दशमलव पांच का आंसर तीन दशमलव पांच है। क्या मतलब, मतलब मॉड मतलब धन बनाने की मशीन। आप इसमें से जब भी कुछ बाहर निकालोगे, माइनस होगा या प्लस होगा, वो हमेशा क्या देगा, उनको प्लस करके देगा। आज हम उसी मॉड के बारे में पढ़ रहे हैं, फलन में। कहां पढ़ रहे हैं, फलन में। देखिए फलन में जब हम मॉड को पढ़ रहे हैं तो फलन में कह रहे हैं कि जो फलन एफ एक्स होता है, जो फलन क्या होता है, एफ एक्स मॉड एक्स के रूप में होता है, वो इस प्रकार परिभाषित होता है कि, वो इस प्रकार परिभाषित होता है कि यदि यदि एक्स का मान क्या होगा, जीरो से कम होने लगेगा, जीरो से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो माइनस एक्स के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा, माइनस एक्स के रूप में। जैसे आप कोई वैल्यू रख के देख लो, जैसे आपका मन करा कि आप माइनस पांच रखो, कितना रखो, माइनस पांच रखो, तो माइनस पांच रखोगे इसके अंदर तो वो क्या कह रहा है, जब आप माइनस पांच को बाहर निकालना, देखो
x का मान 0 से कम है, इसलिए आप जब इसे बाहर निकालोगे तो ऐसे एक माइनस यहां पहले से लगा दोगे और इसका वाला माइनस इसके साथ रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 5। ठीक है, यह है मॉड को परिभाषित करने का तरीका। आगे देखिए, आगे लिखेंगे यदि x का मान बड़ा हुआ 0 से या बराबर हुआ 0 से तो आंसर क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा, वह संख्या तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यदि निगेटिव में जा रही होगी तो एक माइनस और उसके साथ क्या कर देंगे, चिपका देंगे। देखिए हमने चिपका दिया, ठीक है ना। तो यह रहा क्या, मॉड को परिभाषित करने का तरीका। यह भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सवालों को आप जब लगाएंगे मॉड, मॉड के सवाल जब आपको फलन में मिलेंगी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे परिभाषित करना पड़ेगा। बिना परिभाषित किए आप मॉड के सवालों को नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके ग्राफ पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो वी बनता है। क्या बनता है, वी। ठीक है, आप लोग बहुत बार सेल्फी लेते समय साइन बनाते हैं ना विक्ट्री का, तो ध्यान रखिएगा मापांक फलन का जो मापांक फलन का जो आलेख होता है वो भी कैसा बनता है, वी बनता है। ये देखिए, ठीक है, ये है हमारा क्या, एफ एक्स बराबर एक्स है, और ये एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, माइनस एक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मापांक फलन। ठीक है, और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया क्या, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स मॉड में, क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स कहाँ पर, मॉड में। तो इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, सबसे पहली बात तो आप परिभाषित करना सीख जाइए, क्योंकि आपको ये नॉर्मल सवालें नहीं मिलने वाली हैं कि माइनस 3 को बाहर निकालिए, माइनस 12.5 को बाहर निकालिए, समझ रहे हैं ना। आपको जो सवालें मिलेंगी वो इस टाइप की मिलेंगी। तो देखिए, ई की पावर जो एक्स होता है वो हमेशा कहता होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसके लिए जो हमारा ई की पावर एक्स रहेगा वो हमेशा उसमें क्या रहेगा, जो x रहेगा वो बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा किसके, जीरो के। ये कभी भी क्या होगा, जीरो से नीचे के लिए ये बात संभव नहीं होगी। यदि x का मान जीरो से छोटा हो गया, x का मान क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा e की पावर x के लिए, स्पेशल e की पावर x के लिए। हम लोग आगे चल के जैसे मापांक फलन पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन। तो हाँ, ई की पावर एक्स की चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी है, मॉड की है। किसकी है, मॉड की है। तो मॉड में ई की पावर एक्स परिभाषित होगा तब जब ई की पावर एक्स, जब एक्स क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा किसके, जीरो के, तब। ठीक है, जैसे इसी प्रकार से अगर दूसरा परिभाषित करने के लिए मिल जाए आपको, मान लीजिए आपको मिल गया एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 7, तो बताइए आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप इसे परिभाषित करेंगे जो लिखा है, ध्यान से देख लीजिए कैसे परिभाषित करते हैं, समझिए क्या यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 7, क्या लिखा है, x माइनस 7। आप x माइनस 7 को क्या कर लीजिए, जीरो के बराबर कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7। x बराबर 7, अगर x बराबर 7 से क्या कैसी वैल्यू रखेंगे, जैसे 6 रख दिए, क्या रख दिए, 6 रख दिए, तो आंसर हमारा क्या मिलने लगेगा, माइनस में। कह रहे हैं यदि x का मान कम हुआ 7 से, कितने से, 7 से, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और उसे प्लस बनाएंगे तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, अर्थात x इज लेस देन 7 के लिए जो फंक्शन है वो माइनस x माइनस क्या है, 7 है। ठीक है, आगे देखिए यदि x का मान क्या हुआ, बड़ा हुआ और बराबर हुआ 7 के, तो वो फंक्शन स्वयं रिपीट हो जाएगा, मतलब रिपीट नहीं, वो फंक्शन स्वयं आ जाएगा, क्या आएगा, वही फंक्शन आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, x माइनस क्या है, 7 है। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से अगर और भी सवाल देखें आप, तो ये देखिए हम आपको एक सवाल दे देते हैं जिसे आप स्वयं कीजिए, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है, ये सवाल क्या करेंगे आप लोग, इसे स्वयं से परिभाषित करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने फलन और फलन में ऊर्ध्वाधर लाइन टेस्ट, ठीक है, और फलनों के प्रकार में हम लोगों ने तत्समक फलन, बहुपदी फलन, अचर फलन और मापांक फलन के बारे में चर्चा की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।